क्यों जी शाहजेब भाई, कोयले में लग रहे हैं आप? हाँ खान भाई, ये हमारे खान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बार बार उतरना पड़ रहा है तो भाई को चढ़ाना पड़ रहा है। Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another vlog. Like you can see, of course, I'm going to go now, so my voice is a little bit. Okay, so first of all, I'll tell you one or two things. First of all, don't mind my condition. Okay. Because I've grown up with my hair. First of all, tell me, my hair, mashallah, it's good. और बाल वगैरह भी थोड़े छोड़े हुए, और किसी की फुदगी का ऐलान हो रहा है, जो भी फोत हुआ है अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। चलो गाइस, सुबह सवेरे का टाइम है यार, आई जस्ट वोक अप। और आज जो है हमें जाना है, जिस तरह के आपको पिछले व्लॉग में एक में बताया था मैंने कि हमने जो है हाइकिंग के लिए जाना है। मैं अभी उठा हूँ तो, और जर्नी स्टार्ट्स राइट नाउ, क्योंकि अभी मैं उठता हूँ, वो सामने मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, कमरे की हालत बुरी है क्योंकि इधर कोई होता नहीं है, तो आजकल मैं हूँ, तो बेड वगैरह तो मैंने ठीक कर लिया है, वो भी समझ रहे हो। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि चेंज कर लेते हैं, फिर जाएंगे नीचे, थोड़ा गर्म भी हो जाएंगे चेंज करके और फ्रेश भी हो जाएंगे। अच्छा, तो गाइस तैयार जो हो गया हूँ मैं अभी, और शाहजेब भाई को भी जगा ली है, तो अभी चलते हैं नीचे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कितनी सर्दी है और क्या पहनना चाहिए। अब ये तो मैंने पहन लिया, ये गर्म है। ऊपर जो है ये जैकेट है, ठीक है, ये बाबा की जैकेट है, जो मुझे पसंद थी तो मैंने ले ली। यहाँ तो थोड़ी बड़ी लग रही है मुझ पर, लेकिन चलो खैर है, सर्दी से तो बचाएगी। अच्छा, तो यार ये नाश्ता जो है हम लोग कर रहे हैं, नाश्ता रेडी है, और शाहजेब भाई भी रेडी हैं फाइनली। और क्यों जी, तैयार हैं आप? A few moments later. अच्छा, तो जवाद भाई भी पहुंचे हैं, फुल पैक हुए हैं और हीटर के आगे हाथ साथ बैठ के नाश्ते के इंतजार है। हमने तो काफी तक आप पहुंच गए होंगे, ये लेट देरी की वजह क्या है? बस यार गोश्त नहीं मिला अभी तक, तो अच्छा गोश्त वाले को मैं बता के आया हूँ कि हमें पोट का गोश्त तैयार करके देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक ठीक, तो उसमें टाइम लगेगा, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी उसने काम ही शुरू नहीं किया। अच्छा, वो भी वो सफाई सफाई गोश्त की कर रहा है, तो हमारे लिए तैयार करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें ना। और आपका जी पेंट सीधी हुई है, 10 घंटे से पेंट ही पहन रहे हैं। हाँ यार सीधी, उसकी आँखें ही नहीं खुलती। आँखें खुली और इसने कुछ पहना भाई। ऐसे ही ये बड़ा तेज है, ये इसने नीचे 6 शर्टें पहनी है, नजर ही नहीं। अच्छा, तो जी हम निकल गए, ये बैग वगैरह काफी भारी है, तो अभी फीलिंग आ रही है मुझे कि ये जो है बाइक पे भिजवा देना चाहिए था। हम जा रहे हैं अभी शिनकेरी जाएंगे पहले लोकल, तो अभी हमारा पहला स्टॉप जो है, जो हमारा वो है क्या कहते हैं टारगेट जो है पोस्ट है, वो क्या है? शिनकेरी पोस्ट। हम लोग गाड़ी में बैठ गए, और आपको जी कैरी डब्बे में बैठ के कैसी फीलिंग आ रही है? यार कैरी डब्बे में ऐसी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। स्कूल की ओल्ड डेज, जब कैरी डब्बे पे जाते थे स्कूल। अच्छा यार हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन बाकी अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। अच्छा यार हम लोग इधर पहुंच गए हैं फिलहाल, तो इधर वकास मामू की दुकान पे हैं, तो इधर जो है आपको कोई काम वगैरह हो तो आप आ सकते हैं। ये वकास इंजीनियर, इंजीनियर वकास को आप कॉल कर सकते हैं। तो जी हमें कहा जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी कि तुम लोग लेट करोगे, और ये हम लोग ये खड़े हैं। अच्छा अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी ठीक ठाक यार, ये मेरे जी चाचू हैं, और मामू भी हैं, और भाई भी हैं। What? अब कैसे हैं? ये आप लोग नहीं समझ सकते। ये वही वाली बात होगी, ये वही वाली उस दिन जो बात हुई थी वही होगी। तो ये हम कावा पी रहे। 5 hours later. ये जी हम लोग रवाना हो गए, जेदी भाई का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो पीछे से आएंगे अब। और ये बाइक का सजाद भाई हमारे साथ है। इधर से सुनसान सुनसान एरिया शुरू हो गया, ये जंगल में आ गए हम लोग, ये देख सकते हैं आप। अली चाचू पहले आप गए इधर की? रूमर तब आ गया हूं। अच्छा, मेरा मेरी पहली दफा है। अच्छा, मैं पहले कभी रजिस्टर। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे, चढ़ाई ज्यादा होती जा रही थी, और जो है वो खूबसूरती बढ़ती जा रही थी, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे।
लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा था कि रास्ता बड़ा कठिन। चलो यार दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रास्ता जो है वो ज्यादा चढ़ाई ज्यादा होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। हाँ जी ऑक्सीजन, और साथ साथ सर्दी भी ज्यादा होती जा रही है जी। और सजात भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग यहाँ का विजिट करें, यहाँ पे आए और नेचुरल सिटी एंजॉय करें। तो ये कॉलेज है ना? डिपार्टमेंट से। कौन सा कॉलेज है? ये फॉरेस्ट कॉलेज है। ये फॉरेस्ट कॉलेज है, तो ये देख ले आप, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। जब जब स्नोफॉल होती होगी बड़ा खूबसूरत नजारा देता होगा। इधर से आगे जी रास्ता आप जो है मुझे लग रहा है की डेडली स्टार्ट हो गए। बिस्मिल्लाह। दोस्तों मुझे लगा था कि रास्ता जो है जिस तरह पहले रोड था आगे तक वैसे ही होगा, लेकिन जब यहाँ से हम क्रॉस हुए तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि रास्ता कैसा है, और आगे के रास्ते का भी अंदाज़ा हो गया था। तो खैर रास्ता जो है इससे ज़्यादा कठिन होता गया। दोस्तों यार ये रास्ता है, इधर पता नहीं कैमरा में मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, कैमरा धूप है, तो ये रास्ता है देख सकते हैं आप, हमें उतरना पड़ा है। तो ऐसे ही जो है यही फिलहाल हमें पता है कि ऐसे ही बार बार हमें उतरना पड़ेगा रास्ते में, और वॉक भी करनी पड़ेगी। तो यार फुल एडवेंचर होने वाला है। सही है, करने से जरा थोड़ा सा जिस्म गर्म होता है। अच्छा यार आप लोगों ने आखिर तक व्लॉग देखने हैं, बहुत जो है एंजॉय करने वाले हैं आप आज के व्लॉग को। ठीक है तो वीडियो आधी देख के जो है जाना नहीं, ठीक है, वरना आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें मिस कर देंगे। ऐसी बात अली भाई, ऐसी बात है बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इनकी जो है वो गुलूकारी मिस कर देंगे, क्योंकि वो भी इंशाल्लाह हम ऊपर जा गए, बहुत अच्छा गुलूकार है। थोड़ी सी कमी है ऑक्सीजन लेवल की कमी है। अच्छा तो हम यूं ही चलते चलते इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और ये दरख्त आप देख सकते हैं, और इनकी खूबसूरती जो है वो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। दूर जो पहाड़ नजर आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यार अभी इधर ऐसा है कि आगे थोड़ा रास्ता खराब है, तो इधर ये हमारा साथ छोड़ दिया सजात भाई, कह रहे हैं कि चढ़ के जाओ इधर समय यार हाइकिंग करके अभी ऊपर जाना पड़ेगा। फिर ऊपर जो है रोड है, ये रोड जाता है ऊपर, उधर से हम लोग वापस उन्हें ज्वाइन कर लेंगे सजात भाई। ये अली भाई, और इधर से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा स्टेमिना के एल लगे क्योंकि जो है ना इतना वैसा बंदा भाग के भी चढ़ा तब भी सांस नहीं चढ़ना चाहिए उसे, जिधर मैं रहता हूँ उसके हिसाब से। अच्छा यार हम लोग इधर बैठे हुए हैं काफी टाइम से, और मसला भी बन गया। ये अली भाई जो अपना गाना वगैरह सुना रहे हैं, और यार पता नहीं ये लोग जो है किधर रह गए, वो एक बाइक में कुछ मसला भी हो गया, तो मुझे तो अपना प्रोग्राम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आगे देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा तो दोस्तों जानने के लिए कि क्या हमारा प्रोग्राम बढ़ गया या प्रोग्राम जारी रहा, आपको देखना पड़ेगा व्लॉग का पार्ट नंबर 2 जो कि जल्द अपलोड होगा। उसमें बताया जाएगा कि फाइनली हम लोग कितनी हाइट तक जो है पहुंच सके, और वहां पहुंचकर हमने क्या क्या किया। तो इट वुड बी अ लॉट ऑफ फन, स्टे कनेक्टेड।